आ गए सब लोग, कैसे हो दोस्तों? आज हेयर फॉल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी साइंटिफिक नॉलेज के साथ। कोई भी होममेड तरीका इसमें बताने वाला नहीं हूँ। हेयर फॉल या हेयर डैमेज क्यों होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, इस टॉपिक को कवर करेंगे ये भाई साहब। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो पूरा जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा। और भाई लोग, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर देना। चलो देखो ये वीडियो। दोस्तों, हेयर फॉल एक बड़ी समस्या है। 18 से 22 साल के 25% लोग मेल पैटर्न ब्लैडनेस समस्या से जुड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके हेयर दोनों साइड से झड़ने लगते हैं, फिर उसके बाद पिछले बड़े हिस्से से वो झड़ते हैं, फिर ऊपर से और साइड के दोनों जगह से वो फिर झड़ते हैं। इस तरह से वो पूरे झड़ जाते हैं। नीचे और ईयर के दोनों साइड पे कुछ हेयर रह जाते हैं। एक स्टडीज के अनुसार 60% हेयर ट्रांसप्लांट 28 से 47 ईयर्स के लोगों को होते हैं। दोस्तों, दूसरे शारीरिक समस्या की तरह हेयर लाइफ निर्भर करता है एक इंसान के कैसे जीन से, उसके खान पान मतलब क्या खाना खाता है, और एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल के ऊपर। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कैसे जेनेटिक्स हेयर फॉल को स्पीड अप करते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल प्रिवेंट सीरीज का ये पहला वीडियो है। आने वाले कुछ दिन में इस टॉपिक के ऊपर कुछ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करने से झिझकना मत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपने स्कूल में पढ़ाई होंगे दो तरह का क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। अगर आपके माता पिता से 2XX क्रोमोसोम आपको मिलता है तो आप फीमेल होंगे, और अगर आप 1X और 1Y आपको मिलता है तो आप मेल है। साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है एक्स क्रोमोसोम पे ऐसा जीन होता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हेयर फॉल के लिए। तो आपने सुने ही होंगे, अगर आपके मम्मी के पापा को हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम था तो आपको भी हेयर फॉल होंगे। दोस्तों, ये कुछ हद तक सही भी है। मम्मी के पापा को हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो उनके एक्स क्रोमोसोम में हेयर फॉल जीन होगा, और अपने बेटी मतलब आपके मम्मी को वो दे देंगे एक्स क्रोमोसोम। देन आपको मिलता है एक्स क्रोमोसोम अपनी माँ से एंड वाई क्रोमोसोम अपने पिता से, क्योंकि आप लड़के हो, आपको हेयर फॉल वाला एक्स क्रोमोसोम जीन मिल सकता है। तो इस तरह से 50% चांस बन जाता है आपके हेयर फॉल होने का। अगर आप लड़की हो तो ज्यादा प्रभाव इससे आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेयर फॉल होने के लिए उन दो XX जीन में हेयर फॉल वाला जीन होना चाहिए, तभी हेयर फॉल पॉसिबल है। एक एक्स में हेयर फॉल वाला जीन है और दूसरे में नहीं, तो आपको हेयर फॉल नहीं हो सकता। तो अगर आप लड़की हो और आपको हेयर फॉल होते हैं तो दोनों में हेयर फॉल वाला जीन होगा। लड़की को लड़के की तरह हेयर फॉल नहीं होते, लड़की का हेयर ऊपर की तरफ झड़ता है पर वो झड़ता है धीरे धीरे। और कुछ साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार वाई क्रोमोसोम पे भी कुछ ऐसे जीन्स है जो आपके हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग के लिए जिम्मेदार है, तो इस वजह से लड़के को ज्यादा खतरा होता है हेयर फॉल होने का। दोस्तों, आज के डेट में भी पूरा डीएनए को एडिट करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपके फैमिली में किसी को भी हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ आपको ही हेयर फॉल प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल है ये आपका न्यूट्रिशन में कुछ कमी है, मतलब आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, और हो सकता है आप अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हो। दोस्तों, ये बिग रोल निभाते हैं हेयर फॉल होने के लिए। कुछ केसेस में ये देखा गया है जब लोग हेल्दी डाइट लेते हैं और स्ट्रेस-फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनके हेयर फॉल वाला जीन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं और हेयर फॉल कुछ हद तक रुक जाते हैं, मतलब जीन्स में कुछ चेंजेस के कारण से हेयर फॉल रुक जाते हैं या कम होते हैं। दोस्तों, इस हेयर फॉल प्रॉब्लम से मैं भी जूझ रहा हूँ, बट अब कुछ हद तक मैं इस हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। तो आने वाले कुछ वीडियो में हेयर फॉल को कम करने के लिए कुछ टिप्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कुछ हद तक आपके हेयर फॉल रोकने में मदद करेंगे और आप कॉन्फिडेंट भी रह सकेंगे, क्योंकि हेयर होंगे तभी तो हेयर स्टाइल होंगे। दोस्तों, मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अगले कुछ वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने ब्लॉग पे, व्हाट्सएप, ट्विटर या अदर सोशल नेटवर्क पे शेयर जरूर करना। आप मुझे क्रेडिट देके ये री अपलोड भी कर सकते हैं,
मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और दोस्तों को भी बताना है। आपके कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।